दोस्तों, जैसे हमारा अंतरिक्ष रहस्यों से भरा है, वैसे ही समंदर के सीने में भी बहुत से राज दफन है। समंदर के बारे में भी हम सबके पास एक सीमित ही जानकारी है। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका वास्ता जापान से है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान, ज्वालामुखी और समुद्र का रिश्ता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जापान प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। इसका मतलब है कि यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्र में हुई हर छोटी बड़ी हलचल का असर जापान पर होता है। जापान में भूकंप के दस्तक देते ही सुनामी का खतरा बढ़ जाता है, जिसका मतलब है तबाही। लेकिन समुद्र में हलचल होने से सिर्फ तबाही हो, ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी समंदर के पेट से अनमोल खजाने भी बाहर आ जाते हैं, और अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार कुदरत ने जापान को तबाही नहीं बल्कि एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो से करीब 1200 किलोमीटर दूर इवो जिमा के पास एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है। ये घटना साल 2023 के अक्टूबर महीने की है। प्रशांत महासागर में समुद्र के अंदर अचानक से एक ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना तगड़ा था कि इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। ज्वालामुखी में विस्फोट होते ही समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। एक बार तो ऐसा लगा जैसे सुनामी आ गई हो। सभी लोग डर गए और हर तरफ दहशत का माहौल छा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये लहरें समुद्र की सतह में विलीन हो गई। जमीन का एक टुकड़ा धीरे धीरे समुद्र के भीतर से उभर कर बाहर आने लगा और देखते ही देखते यह एक विशाल आइलैंड में बदल गया। ये हैरतअंगेज घटना जापान के इवो जिमा कोस्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर हुई। इस घटना से जापान के हिस्से में जमीन का एक और टुकड़ा जुड़ गया। इवो जिमा को आइवोटो के नाम से भी जानते हैं। आइवोटो आइलैंड पर इस समय जापान की नौसेना का एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत ज्यादा होता था। बेस पर रहने वाले नौसैनिकों ने बताया कि उन्होंने पहले तो तेज धमाकेदार आवाज सुनी और इसके बाद उन्होंने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस आइलैंड को समंदर में लाइव बनते देखा। जापान के मौसम विभाग ने कहा कि आइवोटो आइलैंड के आसपास 21 अक्टूबर से ही भूकंप के हल्के झटके आ रहे थे, लेकिन अंडरवाटर ज्वालामुखी फटेगा इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद ज्वालामुखी विस्फोट की खबर आई। यह नया आइलैंड अंडरवाटर ज्वालामुखी के क्रेटर के पास में बना है। जापानी मौसम विभाग का मानना है कि ज्वालामुखी ने भारी मात्रा में पत्थर, मिट्टी और लावा क्रेटर के अंदर से उगला है, जिससे समुद्र की सतह के ऊपर ये लावा जमा होते चला गया और इतना मलबा निकला कि धीरे धीरे उससे एक नया आइलैंड बन गया। यह आइलैंड कम से कम 200 मीटर लंबा और करीब 20 मीटर ऊंचा है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने बताया कि विस्फोट होने से दो जगहों पर समुद्र की सतह टूट गई। ये विस्फोट केवल इवो जिमा आइलैंड के साउथ एंड पर हुआ है। रिसर्चर के मुताबिक जिस तरह से बदरंग पानी का रिसाव हो रहा है, उससे पता चलता है कि इस जगह से मैग्मा फूट रहा है। रिसर्चर ने बताया कि यह अभी तक क्लियर नहीं है कि विस्फोट कितने समय तक चलेगा, लेकिन ये नया आइलैंड इवो जिमा का हिस्सा बन सकता है। पिछले साल जुलाई 2022 में भी इवो जिमा के दक्षिण पूर्वी तट पर विस्फोट हुआ था और विस्फोट के दौरान राख और मैग्मा पहली बार एक वेंट से बाहर निकला था। इससे पहले भी जापान के आसपास कुछ आइलैंड निकले थे, लेकिन वो खराब समुद्री मौसम की वजह से खत्म हो गए। अभी जहां नया आइलैंड बना है, यहां पर 1986 में भी ऐसा ही एक आइलैंड बना था, उसको समुद्र खा गया। उसके बाद से यहां पर कोई आइलैंड नहीं बना। अभी समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी फटा था, वह लगातार फट रहा है। वैज्ञानिकों ने और ज्यादा धुआं, राख और लावा के निकलने की आशंका जताई है। इस साल के शुरुआत में ही जापान के आसपास के इलाकों की स्टडी करके नया नक्शा बनाया गया था, जिसमें 7000 नए आइलैंड्स खोजे गए थे। 35 साल में पहली बार इस तरह का सर्वे किया गया था। हालांकि इस नए आइलैंड के बनने से जापान की सीमाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यह आइलैंड दुनिया का सबसे नया और यंग आइलैंड बन गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।